Assalamu alaikum. Today we're going to discuss about epistemology of John Locke. बहुत ही फेमस एपिस्टमोलॉजी है इनकी जी, जिसको हम एम्पेरिसिज्म कहते हैं. पहले हमने रैशनलिज्म पढ़ी, रैशनलिज्म में हमने प्लेटो और डिकार्ट्स का पढ़ा था, ठीक है. नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द एपिस्टमोलॉजी और एम्पेरिसिज्म को हम डिस्कस करने लगे हैं. एम्पेरिसिज्म में हमारे पास तीन फिलोसफर्स आते हैं, ठीक है. लेट मी राइट डाउन देयर नेम. हमारे पास उसमें थ्री फिलोसफर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो हैं वो ये लॉक हैं, जॉन लॉक, ठीक है. सेकेंड नंबर पे हमारे पास आते हैं जॉर्ज बर्कले, इनकी भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में. एंड थर्डली हमारे पास आते हैं डेविड ह्यूम, ठीक है. इनका बड़ा फेमस है जी स्केप्टिसिज्म पे, या कॉजल इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट पे, ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट या स्केप्टिसिज्म, ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट में कवर भी करते रहेंगे आने वाले लेक्चर्स में. और ह्यूम के बारे में जो हमारे पास क्वेश्चन आता है इन आ पेपर, वो इन दो टॉपिक्स में मोस्टली आता है, ठीक है. तो फॉर नाउ अभी हम के लिए अभी के लिए जो है हम डिस्कस करते हैं लॉक को. लॉक के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि जी जॉन लॉक की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1632 एंड डेथ इनकी हुई है 1704 में. अप्रॉक्सीमेटली इनको हम 17th सेंचुरी फिलोसोफर भी कहेंगे, ठीक है. इंग्लिश फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, एजुकेटर भी थे, पॉलिटिकल थेरीज भी, हम पॉलिटिकल साइंस में भी इनकी थेरीज पढ़ते हैं और हम आगे पढ़ेंगे भी. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ न्यूटन, इनकी पोलिटिकल राइटिंग्स भी रही हैं और US Declaration of Independence में इनकी राइटिंग्स को इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन ने इनकी राइटिंग्स को यूज़ किया है, ठीक है, थॉमस जेफरसन ने. सो ही इज़ अ पायनियर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, ठीक है, फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म या फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है. और इनका एम्पिरिसिज्म पे ऐसे है जी द एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 या 1689 राउंड ऑफ कहा जाता है. सो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ रैशनलिस्ट. क्यों? क्योंकि ये एम्पिरिसिस्ट थे तो डेफिनेटली रैशनलिज्म को या रैशनलिस्ट को ये क्रिटिसाइज तो करेंगे ही. द माइंड इज इक्विप्ड विथ इनेट आइडियाज़, ये इस चीज़ को नहीं मानते थे. ये कहते थे कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू पे मिलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के वजह से हमें मिलता है. ह्यूमन माइंड डेवलप्स नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये लॉक की थेरी थी. ह्यूमन माइंड डेवलप्स नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो ही हमें नॉलेज मिलता है. माइंड इज पैसिव एंड रिसेप्टिव, हमें इससे रिफ्लेक्शंस मिलेंगे माइंड से, लेकिन हमें जो डायरेक्ट नॉलेज मिलेगा वो ऑब्जर्वेशन से मिलेगा. ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो हमें डायरेक्ट नॉलेज देंगे. माइंड विदाउट इनेट आइडियाज, टैबुला रासा, ब्लैंक स्लेट, ये इनका बहुत फेमस कह लें कि बेंच मार्क है या इनका फेमस ईडियम है या फ्रेज है टैबुला रासा. ये जब भी बात करेंगे आप जॉन लॉक के बारे में, अगर कभी कुछ लिखेंगे तो आप उनके बारे में पहली बात ये बताएंगे टैबुला रासा वाली, ठीक है. क्योंकि ये कहते हैं कि माइंड जो है वो इनेट आइडिया से खाली है. खाली है मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, वो एक कहते हैं ना बच्चे, जब उर्दू में हम कहते हैं कि बच्चे का दिमाग जो होता है वो खाली तख्ती होती है, तो ये खाली तख्ती है, ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती है इंसान का दिमाग. वो यहाँ पर आता है इस दुनिया में, यहाँ पे चीज़ें सीखता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वो अपनी उस तख्ती पे लिखता रहता है, ठीक है. ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है. आइडियाज की अभी बात करते हैं, ठीक है. इनकी थ्योरी का मेन जो नोशन है या मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज आइडियाज, ठीक है. आइडियाज के अब दो सोर्सेज हैं, ठीक है. दो सोर्सेज क्या हैं? एक है सेंसेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एक है रिफ्लेक्शंस. अब सेंसेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? प्रोवाइड आइडियाज अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ये वो सेंसेशंस हैं जो हमें सेंस से मिल रही हैं, ठीक है. जो हमें सेंस से मिल रही हैं वो हमें सेंसेशंस दे रहे हैं, इम्प्रेशंस दे रहे हैं. ये हमें हमारी फाइव सेंसेस से मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सूंघ रहे हैं,
सब चीज़ें जो है ना टच कर रहे हैं। अब दूसरे टाइप पे चीज़ आती है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस वो किसे कहते हैं? ऑन द माइंड ओन ऑपरेशन। अब ये जो फाइव सेंसेस सेंसेस से जो डेटा मिला है इसको ऑपरेट किया है, ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो चीज़ आई है दैट इज रिफ्लेक्शन। ये ऑपरेशन हुआ है या प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ आई है दैट इज रिफ्लेक्शन, और ये माइंड में हो रही है, ठीक है, ये चीज़ माइंड में हो रही है और ये विदाउट माइंड है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ये जो सेंसेस हैं ये हमने मैं आप ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, आपने ये देखा है कि ये कुछ लिखा हुआ है, अब आपका माइंड इसको प्रोसेस करेगा, उसको रिफ्लेक्शन देखो कहेगा कि ये चीज़ जो लिखी हुई है दैट इज सेंस, दैट इज रिफ्लेक्शन, और जो ये रिफ्लेक्शन या जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जब आपको रिफ्लेक्शन मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये सेंस है और ये रेड कलर में लिखा हुआ है, तो ये आपका कौन, ये ऑपरेशन, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये माइंड में हो रहा है और माइंड से फिर आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है। गॉट इट? रिफ्लेक्शन देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड आइडियाज ऑफ द इंटरनल वर्किंग ऑफ द माइंड। आपने कुछ देखा, उसकी इंटरनल वर्किंग हुई, फिर आपको रिफ्लेक्शंस मिल गई। फिर ये आइडियाज को, ये तो सोर्सेस की बात हमने कर दी, सेंसेशन से मिलता है। ये आइडियाज का दो तरह के आइडियाज हैं, एक है जी सिंपल आइडियाज, एक है कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सिंपल आइडियाज क्या हैं? सिंपल आइडियाज वो हैं, फॉर एग्जांपल एटम हो गया, जिसको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, एक बहुत माइन्यूट चीज़ या बहुत सिंपलेस्ट चीज़, वो कहते हैं ना जब हम मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं तो मेक इट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म के उसके बाद उसका सोल्यूशन नहीं है, उसके बाद उसका कोई हल नहीं होता, वो उसको फर्दर एनालाइज नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। और कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्पोजिट्स ऑफ सिंपल आइडियाज़। जब आप बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को मिलाते हैं तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आइडिया मिलता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको सिंपल आइडिया से मिल रहा है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो सिंपल आइडिया से आ रहा है। द इनएक्सपीरियंस माइंड्स अर्लियर सेंसेशंस एंड रिफ्लेक्शंस गिव राइज टू वैरायटी ऑफ सिंपल आइडियाज, ठीक है, आपको बहुत सारे सिंपल आइडियाज मिलेंगे अर्लियर सेंसेशन से, रिफ्लेक्शन से, रेडनेस हो रही है, लाउडनेस है, कोल्डनेस है, सॉल्टीनेस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉम सेंसेशन आपको विलिंग, प्रसीविंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये चीज़ें जो है ये रिफ्लेक्शन से, ये जो है ना ये इजी चीज़ है ना, रेडनेस, लाउडनेस, ये सब ये आपको आसानी से समझ में आ रही है, आपको सिंपल आइडिया मिल रहा है, लेकिन जब आपका माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, ये चीज़ें तो आपको सेंसेशन से नहीं ना मिल रही, विलिंगनेस मतलब ये इंटरनल आपकी कहते हैं ना, ये इंटरनल एबिलिटी होती है, ये चीज़ें आपने किसी चीज़ को कैसे परसीव किया है, ये तो आपको सेंसेशन से नहीं मिल रहा, सेंसेशन तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो मजीद कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स आइडिया आपको मिल रहा है, आइडिया का नाम दिया, इन्फॉर्मेशन का नहीं, ठीक है, उन्होंने आइडिया का नाम दिया तो आपने आइडिया ही वर्ड यूज़ करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ की किसी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो वो ये वाली चीज़ें जो लाइकिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये आपको सेंसेस से तो नहीं मिल रही, ये तो आपकी माइंड की एबिलिटी है कि वो इस चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। विद एक्सपीरियंस सिंपल आइडियाज कैन बी कम्बाइंड बाय द माइंड टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स आइडिया, वही बात आइडिया ऑफ हंगर, ये हंगर और ये सब चीज़ें, ये आप एक फूड को देख सकते हैं लेकिन आप हंगर को देख नहीं सकते, आप हंगर को महसूस खुद कर सकते हैं, अंदर अंदरूनी तरीके से महसूस करते हैं, पर आप अपने फाइव सेंसेस से महसूस नहीं करें हंगर को, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स का नाम उसने दिया। सम आइडियाज जो कि नेचुरली बिलोंग करते हैं एक दूसरे से, अदर एसोसिएशन लर्न बाय चांस, कस्टम और मिस्टेक, ठीक है, कुछ हम लर्न करते हैं। परसेप्शन क्या है? पीपल आर नॉट डायरेक्टली अवेयर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बट ओनली ऑफ आइडियाज, ये परसेप्शन है कि आप फिजिकल ऑब्जेक्ट से अवेयर नहीं है, परसीव करें ना तो क्या आपको सिर्फ आइडियाज मिल रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा आपको, आइडियाज मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये एक प्रॉब्लम वो बताते हैं अपनी बुक में, या देखें लॉ के ये ऐसे में है ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है कि एक ब्लाइंड मैन है। अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, सपोज अ मैन बॉर्न ब्लाइंड एंड नाउ अडल्ट एंड टॉट बाय हिज
टच टू डिस्टिंग्विश. अब देखिए, एक इंसान अगर अंधा है, वो कुछ देख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता तो मतलब उसको नज़र तो कुछ नहीं ना आ रहा, वो नज़र वाली सेंसेस से कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन उसको सिखाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि क्यूब और स्फीयर में डिस्टिंग्विश करना है. एक ही सेम मेटल का बना हुआ है, सेम उसकी वही डायमेंशन वगैरह बिगनेस है. व्हेन ही फेल्ट वन एंड द अदर, व्हिच इज द क्यूब व्हिच इज द स्फीयर, सपोज देन अ क्यूब एंड स्फीयर प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड द ब्लाइंड मैन टू बी मेड टू बी सी वेदर बाय हिज साइट बिफोर ही टच देम. अब उसको तो कुछ नजर नहीं आएगा. ही कुड नाउ डिस्टिंग्विश एंड टेल व्हिच इज द ग्लोब व्हिच इज द क्यूब स्फीयर की बात करें, ठीक है. अब एक ब्लाइंड है, वो तो देख ही नहीं ना सकेगा, तो आप उसे कैसे कहेंगे कि बताओ. लॉक इसके जवाब देते हैं, द ब्लाइंड मैन एट फर्स्ट साइट वुड नॉट बी एबल विद सर्टेनिटी टू से व्हिच वाज द ग्लोब. वो सिर्फ उसको बताया जाएगा ये दो चीजें पड़ी हैं एक्सक्यूज मी, तो वो वैसे जो है ना बता देगा इशारा करके कि एक उसे कहेंगे सिक्स सेंस से, या मतलब उसने देखा नहीं है लेकिन वो एक जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ वो कह देगा कि दिस इज क्यूब और दिस इज स्फीयर रैंडमली, ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स वो देख नहीं सकता, सो ब्लाइंड मैन डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस. उसने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, वो जब टच करेगा, ये वाला एक्सपीरियंस जब वो करेगा तो उसे पता लगेगा, बट साइट वाला एक्सपीरियंस वो नहीं कर सकता, ठीक है. फिर उन्होंने दो क्वालिटीज बताई हैं. पहले हमने आइडियाज की बात की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ठीक है. इसी तरह ये जो प्राइमरी है, इट्स काइंड ऑफ अ सिंपल क्वालिटी, और ये जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि ये विद इन माइंड हो रही है, ठीक है. ये विद इन माइंड आप उसको प्रोसेस करके हम बता सकते हैं. ये आपके डायरेक्ट जो है ना सेकेंडरी क्वालिटी जो है ये ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये वाली जो प्राइमरी क्वालिटी है ना ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट में दिख रही है, ठीक है. बट सेकेंडरी क्वालिटी में क्या है कि ये आपको माइंड बताएगा तो आपको पता लगेगा. प्राइमरी क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. जो एक ऑब्जेक्ट में है फिजिकल कैरेक्टर, सॉलिडिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, शेप हो गया, वेट हो गया, डायमेंशन हो गई, ये सब चीज़ें. सेकेंडरी क्वालिटीज क्या है, परसीवर्स की जजमेंट है, टेस्ट. हाँ, मेरा टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग है, मुझे स्मेल कुछ और आएगी, आपको कुछ और आएगी, कलर मुझे कलर कुछ और दिखेगा, कुछ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है. साउंड मुझे साउंड कुछ और आ रहा है, आपको कुछ और आ रहा है. तो ये क्या, ये परसीवर, हम परसीवर हैं, हम जो परसीव कर रहे हैं, जो सुनने समझने वाले हैं, जो उस चीज़ को ले रहे हैं, वी आर द परसीवर्स. सो वी आर द परसीवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें हमारे लिए सेकेंडरी क्वालिटी वेरी करेगी, ठीक है. इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. अब लॉक सवाल करते हैं कि क्या टेम्परेचर जो है वो सेकेंडरी क्वालिटी है या प्राइमरी क्वालिटी है, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से टेम्परेचर जो है इट्स अ सेकेंडरी क्वालिटी. वाई? अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. ये वाला यहाँ तक समझ आ गया, आई होप यू आर गोइंग विद मी, कि यहाँ पे प्राइमरी क्वालिटीज़ वो हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सेकेंडरी क्वालिटीज़ वो हैं जो परसीवर को लग रहा है, वेरी कर सकता है. टॉलनेस और शॉर्टनेस की बात हो सकती है, मैं करीब खड़ी हूँ मुझे चीज़ बड़ी लग रही है, आप दूर खड़े हैं आपको चीज़ छोटी लग रही है. सो परसीवर डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, तो ये सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं. अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की. पैराडॉक्स ऑफ बेसिन्स. अब इसमें क्या है, इफ यू पुट वन हैंड इन कोल्ड वाटर एंड द अदर इन हॉट वाटर एंड देन प्लेस बोथ इन टेपल वाटर, द वाटर मे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इन वन हैंड एंड कोल्ड इन द अदर. लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना कि वाटर उस वक्त कोल्ड भी हो और वार्म भी हो, ठीक है. वाटर की एक ही क्वालिटी है, उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है दैट इज सेम, वो चेंज नहीं हो रही. चेंज क्या हो रहा है, परसीवर का व्यू. किसी को कोल्ड लग रहा है, किसी को हॉट लग रहा है, क्यों? हाउ वाटर फेल्ट एज कोल्ड बाय वन हैंड मे बी वार्म टू द अदर. अब एक ही बंदे के दो हाथ हैं, एक ठंडा हाथ है, एक गर्म हाथ है, तो ठंडे वाले हाथ को पानी गर्म लगेगा और गर्म वाले हाथ को पानी ठंडा लगेगा, ठीक है. तो अब क्या है कि हम, मैं ही परसीव कर रही हूँ, लेकिन क्या है मेरे दोनों बॉडी टेम्परेचर्स डिफरेंट हैं. क्यों? क्योंकि मेरी, मैं जो है ना, मेरी सेकेंडरी क्वालिटी में मेरे टेम्परेचर डिफरेंट, मेरा प्रसीजन पॉइंट डिफरेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो टेम्परेचर वो सेकेंडरी क्वालिटी है,
टेम्परेचर इट्सेल्फ तो कुछ नहीं है ना, कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है ना कि आप उसे कहें कि उसकी ये सोलिडिटी है, ये मोबिलिटी है, ये उसकी विड्थ लेंथ हाइट है, ये तो चीज़ नहीं है ना। इट्स एन एबिलिटी कि एक बंदे को जो परसीवर है उसको वो चीज़ कैसे दिख रही है। गॉट इट? तो ये सेकेंडरी क्वालिटी हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें की टेक अवेज की, ठीक है? अब हमें इस लेक्चर में क्या समझ में आया? हमने पढ़े हैं आइडियाज, ठीक है? पहले तो हमें पता लग गया कि ही इज अ मॉडर्न फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, ठीक है? दूसरा हमने पढ़े आइडियाज की बात की। आइडियाज का अब सोर्स क्या है? सोर्स की अगर हम बात करें तो हमें सेंसेशंस मिलती हैं। सेंसेशन हमारा सोर्स है, जिसको हम इम्प्रेशंस भी बोलते हैं या सेंस जो करें, ठीक है? और दूसरा, जब सेंसेशन को हम प्रोसेस करते हैं तो हमें रिफ्लेक्शंस मिलती हैं, ठीक है? इन्हीं आइडियाज को वो नाम दे देते हैं सिंपल आइडिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स आइडिया। सिंपल आइडिया वही कि हमें सेंसेशन से सिंपल आइडियाज मिल रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स जो हमें रिफ्लेक्शन से मिल रहे हैं, ठीक है? अब ये सिंपल आइडिया, फॉर एग्जाम्पल, अब हम सिंपल आइडिया में कह देते हैं क्ले है, मट्टी, ठीक है? मट्टी इटसेल्फ, क्या आपको एक मट्टी दिख रही है? मट्टी बहुत सिंपलेस्ट, आप मट्टी को मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, दैट्स अ सिंपल आइडिया। अब मट्टी से जब आप उसका कोई बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पॉट बना लेते हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ठीक है? आपने मट्टी में उसको प्रोसेस किया, उसको ऑपरेट किया, बहुत कुछ किया, कर करा के आपने एक पॉट बना लिया, कोई पॉटरी मटेरियल बन गया या आइटम बन गया, ठीक है? ये पॉट बन गया, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स आइडिया। अब कॉम्प्लेक्स आइडिया को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल में, बट सिंपल को आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है? तो पॉट को आप तोड़ के मट्टी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्ले को आप तोड़ के मट्टी नहीं बना सकते, क्ले इटसेल्फ मट्टी है। सो ये हमारा है सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडियाज में लेते हैं। देन वो क्वालिटीज की बात करते हैं कि हम वर्ल्ड को दो तरह से देखते हैं। एक हमारी प्राइमरी क्वालिटी है जो हमें सामने एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख के मिल रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एप्पल देखा, एप्पल में मैंने क्या देखा? एप्पल में मैंने देखा कि इट्स अ सॉलिड थिंग, ठीक है? ये विड्थ हाइट है इसकी कुछ इस तरह की, और ये थोड़ा सा कोई राउंडेड सा है, ये इस तरह की जो चीजें जो हमें सामने देख के, कलर को नहीं, कलर को देख के हम बात नहीं करेंगे, ये चीजें जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी हैं वो हम बता रहे हैं इससे है, ठीक है? फिर हम सेकेंडरी क्वालिटी को, सेकेंडरी क्वालिटीज क्या हैं? हमने प्राइमरी देख ली कि उसके यही है, सेकेंडरी में हमने जब देखा उसके बाद हमारा हुआ प्रोसेस माइंड में, ये विद माइंड चीजें हैं, ये विदाउट माइंड है, ठीक है? ये उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज हैं, ये विद माइंड है कि माइंड उसको प्रोसेस करे। तो आपने उसका कलर देख लिया, फिर आपने उसका टेक्सचर देख लिया, फिर आपने उसको स्मेल किया, टेक्सचर से किसी को सॉफ्ट लगा है, किसी को थोड़ा क्रंची सा लगा है, ठीक है? कलर किसी को रेड लगा है, किसी को ग्रीन लगा है, किसी को ऑरेंज सा ग्रीनिश कुछ इस तरह का लगा है, ठीक है? स्मेल है, ये फिर डिफरेंट चीज़ें। तो ये क्या, ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? ये हमारे माइंड से, माइंड उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है तो हमें कुछ ये एबिलिटीज दे रहा है, ये चीज़ें दे रहा है, ठीक है? आई होप ये वैसे काफ़ी मेस्ड अप हो गया, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने इसको किस तरह ये जंबल अप बनाया है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राइमरी क्वालिटी जो कह रहे हैं सॉलिडिटी है, विड्थ है, या राउंडनेस है, या किसी चीज़ की मोबिलिटी है, तो ये चीज़ें भी माइंड डिपेंडेंट हैं। भला कैसे? किसी चीज़ को, किसी बंदे को, अब यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा सा यूं डिस्टेंस पे करते हैं, ये करीब, ये नियर पॉइंट है, दिस इज द फार पॉइंट। तो अब हम इसको थोड़ा सा यूं 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 करते रहें, अगर ये एक लाइन में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो विड्थ और हाइट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की, दिस वन, मैं अगर कलर चेंज कर लूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता लग जाए। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो विड्थ और हाइट है,
जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है या परसीवर है उसको ये टॉल लग रहा है, ठीक है, बट जैसे जैसे यू आर गोइंग अलोंग द लाइन, इनफैक्ट यू आर नॉट गोइंग अलोंग, आप सिर्फ देख रहे हैं उसी लाइन में, ये करीब की चीज़ है ये दूर की चीज़ है, तो आप देखते हैं कि जो कोई बिल्डिंग भी होती है दूर की बिल्डिंग आपको छोटी लगती है, ठीक है। अब क्या है तो ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ना, लेकिन इस पे फिर इन पे क्रिटिसिज्म आता है कि जो आप कह रहे हैं लॉक साहब कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में हैं, वो प्राइमरी क्वालिटीज हैं, दे आर अनचेंजेबल, ये सबके लिए एक हैं, तो फिर ऐसे क्यों होता है कि करीब की चीज़ें बड़ी लगती हैं और दूर की चीज़ें छोटी लगती हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी फिर इसका माइंड की चीज़ है, वो माइंड है या परसीवर ऑन द, और इट डिपेंड्स ऑन द परसीवर, परसीवर पे है तो तभी है ना, अगर हम कहें कि ये चीज़ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उस ऑब्जेक्ट की, फिजिकल क्वालिटी है ऑब्जेक्ट की, तो फिर सबके लिए इक्वल होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन द परसीवर, जो पास में खड़ा है उसको ये चीज़ बड़ी लग रही है, जो दूर में खड़ा है उसको ये चीज़ छोटी लग रही है। तो इसके आगे फिर आती है जॉर्ज बर्कले की थ्योरी, ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये अब सीक्वेंस है एम्पिरिसिज्म में, इसका जो क्रिटिसिज्म है वो अब आंसर करेंगे जॉर्ज बर्कले, जो कि काइंड ऑफ आइडियलिस्ट भी हैं, ठीक है, आइडियलिस्ट भी हैं क्योंकि वो ऑल टुगेदर फिजिकल वर्ल्ड को डिनाई कर देते हैं। खैर ये हम बिल्कुल नेक्स्ट में आके पढ़ेंगे, टिल नाउ कुछ समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आई होप मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है एंड बहुत बहुत सिंपल तरीके में बताया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।